नमस्कार दोस्तों, हम CSIR नेट के क्वेश्चन कर रहे हैं रियल एनालिसिस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ CSIR नेट दिसंबर 2017 पार्ट बी कोड बी क्वेश्चन नंबर 25। लेट ए एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग ए वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड ए एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन प्लस वन फोर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग is necessarily true? First option, the series n is equal to 1 to infinity 1 by a n square diverges. Second, the sequence a n n greater than equal to 1 is bounded. Third, the series n is equal to 1 to infinity a n square converges. And fourth, the series n is equal to 1 to infinity a 1 by a n converges. तो ये हमारे पास options हैं। देखिए क्वेश्चन को, ये हमने क्या करना है, नेसेसरली ट्रू, ये हमने देखना है नेसेसरली ट्रू। तो हम पर्टिकुलर केस ले लेते हैं इसी का, यानी कि ए वन है ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो हम इक्वल टू ले लेते हैं, यानी कि ए वन इज इक्वल टू वन और ए एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन प्लस वन है, तो यहाँ इसको हम इक्वल टू ले लेते हैं ए एन और प्लस वन। तो यहाँ हम देखें हमने क्या करना है, एन इक्वल टू वन टू थ्री रखना है, तो इसमें हम ए वन रखें तो ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस वन, यानी कि वन प्लस वन यानी कि टू, ए थ्री ये हो जाएगा ए टू प्लस वन, ए टू इज टू, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री और ए फोर इज इक्वल टू ए थ्री प्लस वन इज इक्वल टू थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर, यानी कि हमारे पास क्या आया है, ए वन वन है, ए टू टू है, ए थ्री थ्री है, ए फोर फोर है, तो ऐसे ही ए एन एन हो जाएगा। बस यहाँ तक का काम था, अब हम ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। द सीरीज एन एन इज इक्वल टू वन टू इनफिनिटी ए एन वन बाई ए एन स्क्वायर डाइवर्जेज। तो हम देख लेते हैं इसको, समीशन एन इज इक्वल टू वन टू इनफिनिटी वन बाई ए एन मीन्स एन एन सुके और ये क्या कहता है, ये डाइवर्जेज, और ये हमारे पास किस प्रकार के सीरीज पी टेस्ट से हमारे पास ये तो सीरीज कन्वर्ज करती है, तो डाइवर्जेज तो रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन को देखें, द सीरीज एन इज इक्वल टू वन टू इनफिनिटी वन बाई ए एन सुकेर कन्वर्जेज, ये बिल्कुल ठीक है। और वे पार्ट का क्वेश्चन है, सी पार्ट के तरह से हम देख रहे हैं, द सिक्वेंस एन इज ए एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन इज बाउंडेड, ये बाउंडेड तो नहीं है, जैसे हम इस पर लिमिट लगाएंगे तो एन टाइम्स टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, बाउंडेड तो नहीं है। और द सीरीज एन इज इक्वल टू वन बाई एन, वन बाई एन मीन्स हमारे पास इस प्रकार की सीरीज है, सीरीज एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन बाई एन, और ये सीरीज कैसी सीरीज है, ये सीरीज डाइवर्जेंट है, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। बी पार्ट का क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ थर्ड इसका आंसर होगा। देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। लेट ए एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इज कन्वर्जेंट एंड मोड ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट। लेट आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन एक्स एन। देन वी कैन कंक्लूड दैट फर्स्ट ऑप्शन आर ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन, r is equal to 1 and r greater than 1 and less than infinity and r is equal to infinity। ये हमारे पास पूछा गया है दिसंबर 14 में। तो देखें इस क्वेश्चन को, इस हमारे पास इसमें क्या गिवन है, a n हमारे पास कोई सीक्वेंस है रियल नंबर की और a n है वो कन्वर्जेंट है। तो हम पर्टिकुलरली इन दोनों बातों को देखें कि a n कन्वर्जेंट है और a n का जो मोड है ये डाइवर्जेंट है। तो हम इसको पर्टिकुलरली देखें, हमारे पास वो सीरीज इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई कैसे आएगी, ए एन हमारे पास ये ऐसी आएगी, एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू पावर एन और डिवाइड बाई एन। इस प्रकार की कोई सीरीज होगी जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, मीन्स ये कन्वर्जेंट सीरीज है बाय लेबनिज़ टेस्ट, और इसका मोड करेंगे तो ये डाइवर्जेंट सीरीज है, मोड से ये नेगेटिव पार्ट हट जाएगा इसका वन बाई एन,
और ये हमारे पास डाइवर्जेंट है। तो क्या कहता है, आर बी दी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, इसकी पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है, मींस इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख दें एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन बाई यानी कि एक्स रेज टू पावर एन और वन बाई एन। हमने यहाँ क्या कर दिया, माइनस वन रेज टू पावर एन है और इसको हमने क्या कर दिया, माइनस वन को हमने एक्स मान लिया यानी कि एक्स रेज टू पावर एन। तो ये हमारे पास कंपेरिजन से हमारे पास इस प्रकार की कोई सीरीज है, यानी कि ए एन हमारे पास क्या है, वन बाई एन, और वन बाई एन है तो इसमें हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, वन बाई आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन और इसका मोड। तो हम निकालें इसको लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और ए एन प्लस वन क्या हो जाएगा, ऊपर तो एन और डिवाइड बाई एन प्लस वन, और जैसे ही हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वन बाई आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई वन प्लस वन बाई एन। जैसे ही इन्फिनिटी करेंगे ये हमारे पास आया वन, यानी कि आर इज इक्वल टू वन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आर इज इक्वल टू वन, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखें, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन को हम देखें, लेट एस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो टू वन, देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन, फॉर ऑल एम ग्रेट फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर देर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एस ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन एम बाई एन। और कोई भी नंबर है, एम हमारे पास नेचुरल नंबर है और एन हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो इस प्रकार का जो नंबर होता है ये रेशनल नंबर होता है, ये हमारे पास रेशनल नंबर होता है। तो ये क्या कहता है कि हर एक जो फर्स्ट ऑप्शन में हर एक एम के लिए और हर एक एम के लिए कोई एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये जो हमारे पास जो एस है ये ग्रेटर देन होगा एम बाई एन। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एस हमारे पास क्या है, एस इस सेट से बिलोंग करता है और हमारे पास क्या है, इस इंटरवल से है और इस इंटरवल में हमारे पास रेशनल भी है इरेशनल भी है, और कोई ये हमारे पास रेशनल नंबर तो इससे बड़ा एक इरेशनल नंबर इसमें मिल सकता है, तो ये हमारे पास एस ग्रेटर देन एम बाई एन, ये तो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू हो जाएगा। सेकेंड की हम बात करें, फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट एन सच दैट एस लेस देन एम बाई एन, ये भी हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो एस है एस कोई इरेशनल नंबर हो सकता है, एस कोई इरेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, रेशनल है। तो एक हमारे पास एक इरेशनल नंबर ऐसा आ सकता है एस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, बिल्कुल आ सकता है इसमें इस इंटरवल में से, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट रेशनल इनफाइनाइट इरेशनल है, तो कोई एक देर एग्जिस्ट कोई एक तो आ ही सकता है इसमें, तो ये भी हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। थर्ड की हम बात करें, फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर देर एग्जिस्ट एन सच दैट एस इज इक्वल टू एम बाई एन, ये हम देखें ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस कहाँ से है, एस इस सेट से है, इस सेट से है, तो इसका मतलब क्या है, वो कोई रेशनल नंबर हो सकता है, वो कोई इरेशनल नंबर हो सकता है। यहाँ भी इस फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की हम बात करें, ये हमारे पास रेशनल नंबर भी हो सकता है, यहाँ ये भी रेशनल नंबर हो सकता है। तो और यहाँ हम बात करें थर्ड ऑप्शन के लिए कि अगर ये इरेशनल नंबर आ गया, अगर ये हमारे पास इरेशनल नंबर आ गया और एम बाई एन रेशनल नंबर है, तो एस इसके बराबर कभी नहीं होगा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी बराबर नहीं होते, तो इस ये तो ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। और फॉर ऑल
n belongs to set of natural number, there exist n belongs to set of natural number such that s is equal to m plus n। ये भी हम देखें कि s हमारे पास कोई मान लिया रे इरेशनल नंबर है और m हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर और n हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर ये अगेन ए नेचुरल नंबर है और यानी कि नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर और ये हम ले लें इरेशनल नंबर तो ये भी हमारे पास बराबर नहीं होगा। ये इरेशनल आए और ये रेशनल क्योंकि s तो इस सेट में से है तो कुछ भी हो सकता है तो हमने इरेशनल उठा लिया तो ये इसके लिए ये भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इन टू साइन वन बाई एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो टू वन। ऑप्शंस हमारे पास क्या है, लिमिट इनफिमम एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम एफ एक्स, सेकेंड ऑप्शन लिमिट इनफिमम एफ एक्स लेस देन लिमिट सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट इनफिमम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन एंड लिमिट सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स इज जीरो। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हम क्या करें इसके लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स और इनटू साइन वन बाई एक्स। तो यहाँ हम देखें ये तो हमारे पास किस पे जा रहा है, जैसे ही जीरो पे टैड कर जीरो इसमें रखेंगे तो ये तो जीरो पे और ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है इसकी जो वैल्यू है ये बाउंडेड है, मीन्स बाउंडेड हम कहें ये फंक्शन बाउंडेड है, एक दो की प्रोडक्ट एक बाउंडेड है दूसरा जीरो को जा रहा है तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा यानी कि एफ एक्स की लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी जीरो और फंक्शन की लिमिट जीरो होने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जब लिमिट हमारे एग्जिस्ट कर जाती है तो लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इनफिमम इक्वल हो जाते हैं और लिमिट के बराबर हो जाते हैं तो लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इनफिमम ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा और सेकंड हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा लेस देन का है और ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, ये तो वन बताता है बाकी हमारे पास तो जीरो आया है। थैंक यू फ्रेंड्स।